दौड़ के ब्राह्मणी के पास आई। मैया अब तुम मुझे आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली, तूने आटा लगा दिया? मैया रोती जा रही है, कहते ना प्यारे कि पराधीन सपने सुख दाई। आटा लगायो, आए के ब्राह्मणी के सामने घुटनन के वर हाथ जोड़ के बैठ गई। मैया अब तो मुझे आज्ञा दे दो, मेरे लाला को काऊ काले नाग ने डसो है। मैया मेरे लाला को कई प्राण न निकल जाए। ब्राह्मणी बोली, सुन, मर गया हो उसे वही फेंक कर तुरंत लौट कर आना, 20 बार सोना देकर तुझे खरीदा है, समझी नहीं समझी? और मैया जैसे ही आज्ञा मिली कि जा, मैया इस तरह से भागी जैसे एक गाय बछड़ा के लिए रमा करके भागती है। गिरत वही उठत वही, गिरत उठत वही, जैसे तैसे बाग में पहुंची। रोज रोज को देखती जा रही है, लाला कहाँ है? और आगे बढ़ी तो क्या देखा है, बेटा रोहित जमीन पे पड़ो है, मोह से जाग बहरे हुए है। और जैसे ही पुत्र को जमीन पर पड़ा देखा, हाय बेटा कहकर के मैया जमीन पे पछाड़ खा के गिर गई। ये क्या हुआ? नाना भाती से बच्चे की लाश पर रोदन करती है।
मैया उधर धारण कराने वाला भी कोई नहीं है मेरी माँ। मैया बगिया में रोवे पड़ी,
से मैया बच्चे की लाश पर रोधन कर रही है। तब तक बाग का माली आया। माली कहने लगा, बहन तुम्हारे बच्चे को किसी नाग ने